हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। आपका जो HSSC ALM का UHBVNL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ALM की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की थी। तो आप सब लोगों ने कमेंट की थी कि सर LDC कट ऑफ और UHBVN क्लर्क की कट ऑफ और जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ के बारे में बताओ। तो आज हम बात करेंगे आज के वीडियो में HSSC क्लर्क की फाइनल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, HSSC क्लर्क की फाइनल कट ऑफ के बारे में और बात करेंगे रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 69 या 70 या 71 या फिर 69 से 71 तक ही जा सकती है आपकी कट ऑफ। इससे ज़्यादा आपकी यही स्लैब रहेगा आपकी कट ऑफ का, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगी। EWS कैटेगरी की बात करूँ तो EWS कैटेगरी कट ऑफ 68 या 69 तक जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ BCB कैटेगरी की, BCB कैटेगरी की बात करूँ, इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 67 से लेकर 68 तक जा सकती है। और BCA कैटेगरी की बात करूँ तो BCA कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है वो 65 से लेकर 67 जा सकती है। और SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी 60 या फिर 62 तक, या फिर 60 से लेकर 62 तक जा सकती है। ठीक है, तो यही स्लैब रहेगा, इससे ज़्यादा आप लोग की कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग का रिजल्ट आने के कब तक चांसेस है। ठीक है, तो HSSC क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट आने के चांसेस है दोस्तों, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है। ठीक है, आई थिंक अगर हो सकता है 31 मार्च से पहले आ जाए, नहीं तो आपके फर्स्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट पक्का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हर जगह बंद है, तो आई थिंक चांसेस कम है 31 मार्च से पहले आने के। लेकिन फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोग का पक्का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।